धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए आज मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा का ऐसा महत्वपूर्ण दिन है कि मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं और आसंदी पर आपको देख रहा हूं। मैं आपको हृदय से अभिनंदन आपका करता हूं और पूरे सदन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें सर्वसम्मति से एक ऐसे जनप्रतिनिधि को इस आसंदी पर बिठाया है जिसका संगठन का, सदनों का और सरकार का इतना बड़ा अनुभव है और जितनी लंबी यात्रा, ऐसा माननीय शिवराज जी ने कहा कि जब हम पलटकर अपने राजनीतिक जीवन को देखते हैं तो हम सीधे 40 साल पीछे चले जाते हैं और शायद ये 16वीं विधानसभा एक अपना इतिहास रचेगी कि आजादी के 75 वर्ष बाद मध्य प्रदेश का ये सदन अपनी किन ऊंचाइयों को छुएगा। 40 साल पहले हम सब ने जो काम शुरू किया था, आज संयोग बस इस विधानसभा के हम सब सदस्य हैं। तब हम राज्य को ऊंचाइयां देने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज हम प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में रहकर प्रतिपक्ष के साथ इस मध्य प्रदेश को देश की सर्वोच्च प्रदेश की सूची में नंबर 1 के स्थान के लिए हम अपने प्रयास को आज से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन चर्चा का जो केंद्र बिंदु होता है वो सदन का अध्यक्ष होता है, क्योंकि संवाद अगर अच्छा ना हो, सहज ना हो, वो कटुता से भरा हो तो शायद हम किसी अच्छे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हम सफलता और ऊंचाइयां छू लें लेकिन मन ठीक ना हो तो वो आनंद नहीं मिलता जिस आनंद की अपेक्षा इस प्रदेश की जनता करती है। और इसलिए मुझे लगता है कि आसंदी पर बैठे हुए व्यक्ति की वो गरिमा, उसका वो प्रभाव एक ऐसी अच्छी चर्चा की मिसाल कायम करेगा जिसमें विरोध भी होगा लेकिन विनोद भी होगा, लेकिन हित राज्य का होगा, प्राथमिकता उसकी होगी। और हम सब टीम में हम लोग कहते थे लेकिन आज के बाद हम आप पर टिप्पणियां नहीं कर पाएंगे, जैसी टिप्पणियां करके हम आपसे आनंद लेकर अपना रास्ता तय करते थे। मैं बहुत छोटा था, पूरी टीम में सबसे कम उम्र का व्यक्ति था और सबसे कम अनुभव सदन का मेरा है। मैं पहली बार का विधायक हूं तो आपका भी मार्गदर्शन मिलेगा, वरिष्ठों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जिस सदन में मैं रहा हूं उसका मेरा अपना अनुभव, जो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरे पहले संसद सदस्य बनते समय मुझे सिखाया था उसका अनुपालन करने में मैं भी आपके निर्देशों का अच्छा से पालन करूंगा। मैं इस शुभ मुहूर्त में आप सब आपका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि सदन आपकी उस गंभीरता के साथ ऊंचाइयां छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।